चमोली के थराली में सरकारी निर्माण कार्यों के ठेकेदार रॉयल्टी से संबंधित शासनादेश के नियमों के बीच में पिस रहे हैं। दरअसल इस शासनादेश से पूर्व सरकारी निर्माण कार्यों में पहले ही विभाग रॉयल्टी काट लेता था। इसके अलावा निर्माण स्थल से निकले पत्थर, खनिज आदि निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा प्रयोग किए जाते थे, लेकिन सरकार के नए शासनादेश के बाद निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा रॉयल्टी प्रपत्र विभाग में जमा न कराए जाने पर ठेकेदार पर 5 गुना वसूली का प्रावधान रखा गया है, जिससे ठेकेदार खासे परेशान है। रॉयल्टी के संदर्भ में था, जब पहले से ही पीडब्ल्यूडी में ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी, शासन द्वारा ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी जिसकी रॉयल्टी पीडब्ल्यूडी वर्किंग एजेंसी जो भी होती है वो उसकी रॉयल्टी काट लेती है। उसके जितना वर्क होता है उसका मेजरमेंट करके उसमें जितनी उसकी क्वांटिटी निकलती है उसके अकॉर्डिंग पहले भी संबंधित विभाग उसकी रॉयल्टी काट देता था। तो अचानक ही आज इस टाइप का फरमान कैसे लागू कर दिया गया है, और इसी के साथ सभी ठेकेदारों का और कहीं ना कहीं प्रशासन की कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक रही है, जो सभी को विश्वास में लेकर के इन निर्णयों को नहीं लिया गया। मौजूदा समस्या के चलते थराली ठेकेदार संघ ने सरकार से गुहार लगाई है और सरकारी निर्माण कार्यों में रॉयल्टी प्रपत्र जमा न करने पर 5 गुना रॉयल्टी वसूल करने के शासनादेश को निरस्त करने की मांग की है। द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया है जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं ठेकेदारों के द्वारा, छोटे मझोले ठेकेदारों के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें उप खनिज परिवहन पत्र 11 जो होगा, जे फॉर्म 11, उसके बिना जो है बिलों का भुगतान नहीं होगा। अगर वो फॉर्म संलग्न नहीं होगा तो ठेकेदार के बिल से 5 गुना कटौती अथवा 2 लाख के जुर्माना लगाने का प्रावधान ये शासनादेश में किया गया है। हमारा ये कहना है जब ठेकेदार द्वारा किसी भी कार्यस्थल पर कार्य किया जाता है, विभाग द्वारा स्वतः ही उसमें जो रॉयल्टी काटी जाती है, हमारा कहना है कि जो जहाँ पर हम खुदान कर रहे हैं उसी वहीं के पत्थर मिट्टी इत्यादि के प्रयोग करके जो है रेत का प्रयोग करके हम निर्माण कार्य करते हैं और विभाग उसका MB के अनुसार उसका जो है रॉयल्टी काटता है। लेकिन अभी जो है सरकार ने खनन माफियाओं के दबाव में उनसे साठ गांठ करके ये शासनादेश जारी किया है कि बिना खनन पट्टे से और क्रेशर से जो फॉर्म जे होता है बिना उसके कोई भुगतान नहीं होगा। अगर उसके बिना भुगतान होगा तो 5 गुना रॉयल्टी काटी जाएगी अथवा 2 लाख का जुर्माना। ये एक तुगलकी फरमान है, हम इसके विरोध करते हैं, सारे समस्त ठेकेदार जन इसका विरोध करते हैं और शासन से अपील करते हैं कि शासनादेश निरस्त किया जाए। न्यूज स्टूडियो के लिए चमोली से गिरीश चंदोला की रिपोर्ट।